हेलो ब्रदर एंड सिस्टर, मैं तान्या स्वागत करती हूँ आपका लेक्चर संदेश यादव के इस चैनल में। तो फिर आज हम आपसे मिले एक नए वीडियो के साथ, जो कल अवकलन बताए थे, अवकलन के सूत्र। और मैं आज बताने वाली हूँ कुछ सूत्र पे उदाहरण। ठीक, उदाहरण जैसे कि सवाल, छोटा मोटा सवाल है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो चलिए तो मैं आपको बताती हूँ और लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए, पहला सवाल क्या है, देखिए सवाल ऊपर लिख चुकी हूँ और आपको हम आज बताने वाले हो। पहला सवाल क्या है, x पे 5 हो गया। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना रहता है, अवकलन का मतलब dy बाई dx। अगर dy बाई dx ज्ञात करने के लिए कह रहा है, x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए कह रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो हम मानेंगे माना पहले मानेंगे, क्योंकि dy y का मान dy बाई dx ज्ञात करना है, तो इसलिए सबसे पहले मानना जरूरी है y। अगर y dt बटे dx कहता ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले मानते माना t बराबर मानते। ठीक है, t बराबर मानते, ये ध्यान रखिएगा। माना तो y बराबर x पे 5 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो x के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो क्या होगा, dy by dx हो जाएगा। ठीक, बराबर dy dx होगा और x पे क्या है, 5 होगा। क्या है, x पे 5 होगा। ठीक, तो क्या हम बताए थे, x पहले अवकलन का सूत्र जब हम आपको बताए थे, तो बताए थे x के घात n का सूत्र क्या बताए थे, फॉर्मूला n और x के घात n माइनस 1। हम आपको बता चुके हैं ना कि x के घात n का फॉर्मूला क्या होता है, x के घात n का फॉर्मूला होता है पहले घात आ जाता है, फिर x के यानी घात में से एक घट जाता है। क्या होता है, घात में से एक घट जाता है। तो फिर यही यहाँ पे भी करना है, x तो वैसे ही रहेगा, पहले घात आ जाएगा। ठीक, पहले घात आ जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर x यानी घात में से एक घटेगा, यानी 5 माइनस 1 हो जाएगा। हमने वही किया है, देखिए x पे 5 घात यानी x पे n घात, तो n पहले लिख दिए और फिर x, फिर n माइनस 1। ठीक, तो चलिए, तो 5 और x पे 5 में से 1 जाए 4, यानी 5 x पे 4 घात। ठीक, तो हमारा dy by dx का मान कितना हुआ, अगर अवकलन करने के लिए कहेगा तो क्या होगा, dy by dx का मान 5 x पे 4 घात। ठीक, तो चलिए पहला सवाल हल हो चुका है और चलते दूसरे सवाल की तरफ। चलिए, दूसरा सवाल क्या है, x पे 10 घात। ठीक, फिर देखिए x पे 5 घात और x पे 10 घात यानी सेम है। ठीक, तो चलिए इसको भी पहले मानते हैं, माना y बराबर क्या होगा, x पे 10 घात। ठीक, तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इधर भी होगा ना, जब x के सापेक्ष अवकलन होगा तो y का भी अवकलन होगा, तभी dy by dx ज्ञात होगा। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, अवकलन करने पर तो फिर क्या लिखेंगे, चलिए देखिए dy dx वैसे ही लिखेंगे। ठीक, तो क्या करना है, y का अवकलन करना है ना, तो y चलिए आपको ऐसे बता देते हैं, y वैसे लिख लेते हैं, फिर dy by dx वैसे ही रहेगा और फिर क्या होगा, x पे 10 का। ठीक, तो फिर हमारा हो जाता है, y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy by dx, फिर x के घात 10 यानी घात पहले आ जाएगा, फिर घात में से एक घट जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया, घात में से एक घट जाएगा। तो चलिए dy by dx वैसे ही लिखते हैं, dy by dx वैसे ही लिखते हैं, और क्या करेंगे, तो घात वैसे ही रहेगा और फिर 10 में से एक जाएगा यानी 9 क्या होगा, 9 होगा। ठीक, तो dy by dx का मान ज्ञात हो गया। अब चलिए तीसरा सवाल क्या था, तीसरा सवाल हमारा क्या है, देखिए
तीसरा सवाल है 5 और x² यानी 5x², ये तो हल हो चुका है, ये भी हल हो चुका है। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या है मेरा, 5x², ठीक, इसमें भी घात है, चलिए तो इसको भी हल करते हैं, उसी पे होगा, ठीक उसी फॉर्मूले पे होगा, यानी माना सबसे पहले मानो माना वाई बराबर 5x², ठीक क्या करेंगे फिर वाई दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, तो अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स वैसे ही रहेगा, वाई वैसे ही रहेगा, फिर डी बाई डी एक्स यानी 5x², ठीक 5x² दिया है ना, ठीक तो देखिए डीवाई बाई डी एक्स वैसे ही रहेगा, ये अचर पद है, अचर पद वैसे ही रहेगा और x² का अवकलन होगा ना, x² का अवकलन करते हैं तो यानी घात पहले आ जाएगा और x वैसे ही रहेगा, घात में से एक घट जाएगा, 2 - 1 यानी डीवाई बाई डी एक्स 5 × 5 = 10 ठीक 10 हो जाएगा, और फिर एक्स पे 2 - 1 जाएगा 1, यानी सीधे सीधे हम लिख सकते हैं डीवाई बाई डी एक्स और 10x लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स पे एक घात का मतलब एक्स ही होता है, ठीक है। तो चलिए क्या होगा डीवाई बाई डी एक्स यानी एक्स के घात 1 का मतलब क्या होता है एक्स ही होता है, तो यानी 10x हो जाएगा, ठीक। चलिए तो आगे हम चलते हैं चौथे सवाल के, चौथा सवाल क्या है 7x², ठीक 7x² सेम ऐसे ही है, देखिए 5x² ये 7x², तो फिर माना मानते हैं माना y बराबर 7x², फिर करते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, क्या करेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो चलिए फिर वाई क्रिया करते हैं डीवाई बाई डी एक्स, वाई वैसे ही रहेगा, फिर डीवाई डी एक्स ठीक 7x² है, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई का अवकलन डीवाई बाई डी एक्स 7 अचर पद है, ठीक हम बताए थे 7 वैसे ही रहेगा, ठीक और देखिए x² है यानी 2 पहले आ जाएगा, एक्स 2 में से 1 घट जाएगा क्योंकि घात है ना, इसीलिए तो डीवाई बाई डी एक्स वैसे ही रहेगा 7 × 2 = 14 फिर एक्स पे 1 यानी एक्स पे 1 का मतलब वही होगा, तो यानी डीवाई बाई डी एक्स बराबर 14x। देखिए हमारा चौथा सवाल भी हल हो चुका है, 5x² और 7x², अब बचा है पांचवा सवाल, पांचवे सवाल की तरफ हम चलते हैं। पांचवा सवाल क्या है 7x² + 2 क्या है 7x² + 2 तब तो वैसे आया, ये भी अब हल हो जाएगा, सबसे पहले इसको भी हम मानेंगे, क्या मानेंगे माना वाई बराबर, ठीक वाई बराबर मानते हैं 7x² + 2 ठीक, तो अब इसका भी करेंगे क्या दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक क्या करेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा d वैसे होगा d बाई डी एक्स और y होगा, फिर देखिए d बाई डी एक्स 7x² + 2 ठीक, अब तो इसका होगा dy बाई डी एक्स, y का होगा dy बाई डी एक्स, अब डीवाई डी एक्स देखिए 7x² + 2 दो पद दिए हैं ना, तो इसको चलिए अलग अलग कर लेते हैं ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो यानी 7x² वैसे हो जाएगा, फिर प्लस डीवाई डी एक्स यानी डीवाई डी एक्स और 2 इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग करने से ज्यादा ही अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए तो डीवाई बाई डी एक्स वैसे ही रहेगा, और फिर 7 × घात है यानी x² है यानी 2 पहले आ जाएगा, x यानी 2 - 1 हो जाएगा, ठीक
चलिए फिर प्लस हाई अचर पद है यानी आपको सूत्र में हम बता चुके थे, अगर कांस्टेंट यानी सी अगर आ जाए कोई भी अचर पद यानी दो, जैसे पांच अंक कोई भी दे दे तो उसका मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसका अवकलन अगर करेंगे तो डी बाई डी एक्स यानी दो का अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सीधे। तो इसका हम करते हैं 7 × 2 = 14 यक्ष पे घात का मतलब सीधे वैसे ही हो जाएगा, तो हम एक नहीं लिखते हैं। चलिए आपको पता ही हो गया होगा कि यक्ष पे घात का मतलब यक्ष ही होगा, तो चलिए 14x में प्लस करेंगे जीरो तो क्या होगा 14x, यानी हमारे डीवाई बाई डी एक्स का मान कितना ज्ञात हुआ 14x। चलिए तो हम अगला सवाल अब हल करते हैं, पांचवा भी हमारा हल हो चुका है, अब हम चलते हैं छठवें सवाल की ओर। छठवां सवाल क्या है, 8x पे 3 घात प्लस 9 क्या है, 8x पे 3 घात प्लस 9। देखिए सेम सवाल है, ऐसे ही बस घात में अंतर है और अंक अलग है। ठीक, तो फिर माना मानते हैं, माना y बराबर 8x पे 3 घात प्लस 9। ठीक, फिर करते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष। ये ध्यान रखिएगा कि x के सापेक्ष क्यों रहा है, क्योंकि x के सापेक्ष में कोड़ दिया है x। ठीक, अगर y t देता तो हम करते ये दोनों तरफ t के सापेक्ष होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती ना करिएगा कि अगर t के सापेक्ष दिया हो करने के लिए और आप x के सापेक्ष ही कर दो। ठीक, चलिए तो देखिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो चलिए फिर तो डी बाई डी एक्स वैसे ही लिखते हैं हम, y वैसे ही, और फिर डी बाई डी एक्स क्या है 8x पे 3 घात प्लस 9। ठीक, तो y का अवकलन तो पता ही होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और फिर इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करने से शायद आपको अच्छे से समझ में आए। फिर डी बाई डी एक्स दो पद है तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही रहेगा, 8 वैसे ही रहेगा और घात में क्या है 3 है, 3 एक्स के घात है ना, आपको बताएं अगले पिछले वाले सवाल में यानी तीसरा चौथा और पहला दूसरा सब सेम था। ठीक, तो 3 वैसे ही रहेगा और एक्स के घात 3 में से एक घट जाएगा, घात में से एक घट रहा है ना वैसे ही। फिर 9 का अवकलन यानी 0 कॉन्स्टेंट है यानी अचर पद है, तो 0 हो जाएगा अवकलन। डीवाई बाई डी एक्स 8 × 3 = 24 एक्स के घात 3 में से एक जाए 2 प्लस 0। ठीक, तो अब dy by dx वैसे ही रहेगा, अगर हम 24x² में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24x², क्योंकि 0 जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए छठवां सवाल भी हमारा हल हो चुका है, अब क्या करते हैं सातवां सवाल आपको बताते हैं। सातवां सवाल क्या है, 10x पे 4 घात क्या है, सातवां सवाल है 10x पे 4 घात और प्लस 5x² + 2। ठीक, इसमें तो 3 पद आ गए तो डरने की कोई बात नहीं, इसको भी एकदम आसानी से हल कर लेंगे। और चलिए आपको आज शायद अवकलन अच्छे से समझ में आ जाएगा, माना y बराबर, इसको भी माना मानते हैं, x पे 4 घात प्लस 5x पे 2 घात प्लस 2। ठीक, चलिए तो इसका भी फिर अवकलन करते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर चलिए तो dy dx वैसे लिखते हैं, y फिर dy dx, पहले तो हम इसको एक में कर लेते हैं। ठीक, डीवाई डी एक्स 10x पे 4 घात प्लस 5x² + 2। ठीक, अब इसको डीवाई बाई डी एक्स यानी वाई का अवकलन डीवाई डी एक्स, और फिर अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग 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 10x पे 4 घात प्लस फिर डीवाई डी एक्स करते हैं, फिर क्या करेंगे 5x² + dy dx यानी 2। ठीक है, 3 पद थे, 10x पे 4 घात 5x² + 2। ठीक है, तो हम सबको अलग अलग कर लिए हैं, तो चलिए फिर हल करते हैं डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, 10 तो वैसे रहेगा, घात पहले आ जाएगा और घात में से एक
घट जाएगा। ठीक, चलिए फिर वही से हल करते हैं। प्लस 5, फिर हाई घात पहले आ जाएगा 2, फिर 2 में से 1 घट जाएगा। ठीक, फिर प्लस कांस्टेंट फिर आ गया, यानी अचर पद, अचर पद यानी 2 का मतलब 0 हो जाएगा। ठीक, तो फिर डीवाई बाई डी एक्स, 10 चौको 40। ठीक, 10 चौको 40, 4 में से 1 जाए 3, यानी प्लस 5 दूना 10 एक्स पे, यानी 1 घात है, तो 1 घात का मतलब तो आपको पता ही होगा। फिर डीवाई बाई डी एक्स 0 कर देते हैं, फिर डीवाई बाई डी एक्स, और फिर 0 जोड़ने से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो 40x पे 3 घात और 10x वैसे ही रहेगा, क्योंकि 0 जुटेगा तो कोई उसका माने नहीं रहेगा, जैसे कि 0 जोड़ने से कोई भी क्वेश्चन में अंतर नहीं पड़ेगा। तो चलिए हमारा 7वां सवाल भी हल हो चुका, अब हम करते हैं 8वें सवाल, 8वां सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, तो क्या 8वां सवाल, 8वां सवाल हमारा है 12x पे 10 का। ठीक, तो फिर देखिए, फिर वैसे ही सवाल, फिर इसको भी मान लेते हैं, माना वाई बराबर 12x पे 10 घात, फिर इसको करते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन, अवकलन करते हैं, तो d बाई डी एक्स वैसे ही करते हैं, y वैसे ही लिखते हैं, फिर d बाई डी एक्स 12x पे 10। ठीक, अब चलिए d वाई बाई डी एक्स, फिर 12 वैसे ही रहेगा, फिर घात पहले आ जाएगा। ठीक, घात पहले आ जाएगा और घात में से 1 घट जाएगा, यानी 10 माइनस 1। ठीक है, तो dy वाई बाई डी एक्स वैसे ही, 12 का 10 में गुणा करेंगे तो 120, और dx पे 10 में से 1 जाए 9। ठीक, अगर कोई कहता है कि 12 यहाँ लिखे, 12 अगर इसको बाहर भी कर सकते हो, आप यहाँ 12 लिख सकते हो, 12 डी बाई डी एक्स और एक्स पे 10 का, तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ भी है तो आपको बस समझ आना चाहिए 12 वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ एक्स पे 10 घात भी है, तो 12 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अगर वैसे भी आप इसको बाहर 12 कर सकते हो, यहाँ पे 12 डी बाई डी एक्स और एक्स पे 10 घात, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, गलत नहीं होगा, ऐसे भी सही है और वैसे भी सही रहेगा। ठीक है, 8वां सवाल हो चुका है, 8वां सवाल हमारा हो चुका है। चलिए अब 9वां सवाल बताते हैं, 9वां क्या सवाल है, 9वां सवाल क्या है, 11x² + 2x + 1। ठीक, इसमें भी 3 पद दिए हैं, तो चलिए इसको भी मान लेते हैं, माना y बराबर 11x² + 2x + 1। चलिए इसका भी करते हैं दोनों तरफ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स वैसे ही रहेगा, वाई वैसे ही रहेगा, क्योंकि वाई का अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स, और पहले कोष्टक में कर लेते हैं 11x² + 2x + 1। ठीक, तो वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर 11 वैसे ही रहेगा, यानी डी वाई डी एक्स, यानी चलिए अलग अलग कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स 11x² + d/dx 2x वैसे ही लिखेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स और 1 वैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, फिर 11 वैसे ही रहेगा, घात पहले आ जाएगा, यानी घात 2 है, 2 वैसे आ जाएगा और घात में से 1 घट जाएगा। ठीक, 2 माइनस 1 प्लस 2
अवगुणे। यक्ष का अवकलन आपको बता चुके हैं कि यक्ष का अवकलन यानी एक होगा, क्योंकि यक्ष के सापेक्ष ही अवकलन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि यक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यक्ष का अवकलन एक हो जाएगा। अगर ये टी के सापेक्ष अवकलन करते और एक्स आ जाता तो इसमें क्या करते, क्योंकि डी एक्स बटे डी टी हो जाता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ऐसे ना करिएगा कि अगर टी के सापेक्ष करना हो और एक्सिस में दिया है तो उसमें भी एक्स का मान एक लिख दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसे ना कीजिएगा। और एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो एक हो जाएगा, एक लिख देते हैं, और एक का अवकलन यानी जीरो। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ग्यारह दूना बाईस, एक्स पे एक घात है तो एक का मतलब कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दो आपको पता ही होगा कि एक्स पे एक घात का मतलब एक्स ही होगा, और जीरो जोड़ेंगे तो जीरो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो चलिए, नौवां सवाल भी हमारा हल हो चुका है, अब चलते हैं दसवां सवाल की ओर। नौवां हल हो चुका है, दसवां सवाल क्या है, चलिए दसवां सवाल तो अलग आ गया, साइन और एक्स स्क्वायर प्लस दस, चलिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस दस, ठीक। अब आप कहोगे इसमें तो ऐसे था तो हम हल कर देते थे, अब ये कैसे हल होगा, तो कोई डरने की कोई बात नहीं है, इसको भी एकदम आसानी से हल कर देते हैं। इसमें भी कोई भी अवकलन है तो सबसे पहले हम माना मानेंगे, ठीक है, माना वाई बराबर, वाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस दस, ठीक। चलिए माना मान लिए, अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक, अवकलन करने पर तो d बाई डी एक्स वैसे ही लिखते हैं, y वैसे ही लिखते हैं, फिर d बाई डी एक्स, अब क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस दस। चलिए तो साइन एक्स यानी साइन एक्स का अवकलन करना है, पीछे फार्मूला में यानी सूत्र में हम आपको बताए थे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या बताए थे आपको, कॉस एक्स बताए थे, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, ठीक। तो यानी साइन एक्स दिया है, साइन एक्स इसको पूरा एक्स मानेंगे, ठीक है, तो इसका तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी इसको साइन और पूरा एक्स मानेंगे, ठीक है, एक बार तो साइन एक्स का होगा और फिर साइन एक्स का हो जाएगा तो फिर एक्स का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस दस का होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यानी साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, आपको पता भी होगा साइन एक्स का सूत्र हम बताए थे कि अवकलन जब साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, तो यानी साइन एक्स का अवकलन इसको पूरा एक्स मान लीजिएगा, ठीक है, पूरा एक्स मानिएगा तभी होगा, कॉस और एक्स होगा ना साइन एक्स का अवकलन, कॉस एक्स यानी एक्स का मान एक्स प्लस दस, ठीक। अब इसको करते हैं, यानी एक बार तो साइन एक्स का हो चुका है, अब क्या करेंगे, अब एक्स का जो एक्स है यानी एक्स स्क्वायर प्लस दस होगा, ठीक है, साइन एक्स का हो गया अब एक्स स्क्वायर प्लस दस का होगा, तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स यानी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस दस, फिर गुड़े, अब इसको भी अलग अलग कर देते हैं, चलिए आपके समझने के लिए इसको भी अलग अलग कर देते हैं, ठीक, डी एक्स इसको कोष्टक कर देते हैं, डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स और दस, ठीक है, आपको समझने के लिए, ठीक है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा अगर अलग अलग कर देंगे तो, डी वाई डी एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस दस वैसे ही रहेगा। अब इसको कोष्टक में क्या है, कोष्टक में अब एक्स स्क्वायर है यानी दो एक्स हो जाएगा और घात में से एक घट जाएगा, ठीक है, और प्लस अचर पद है यानी अचर पद का मतलब जीरो हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस दस वैसे ही रहेगा और फिर क्या हो जाएगा, कोष्टक दो एक्स और अगर घात में से दो में से एक जाएगा तो एक होगा, तो एक्स पे एक घात का मतलब एक्स ही होगा और है प्लस जीरो हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही लिखते हैं, अब हो जाएगा क्या था यहाँ पे, दो एक्स प्लस जीरो था ना, तो चलिए कॉस एक्स प्लस वैसे ही पहले लिख लेते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस दस, ठीक। अब कोष्टक में क्या था, क्या है देखिए यहाँ, दो एक्स प्लस जीरो यानी दो एक्स प्लस जीरो है ना, तो दो और एक्स प्लस जीरो यानी दो एक्स में अगर जीरो जोड़ेंगे तो दो एक्स ही होगा,
ठीक, तो दो एक्स वाई से लिख देते हैं और डीवाई बाई डी एक्स। अब इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं यानी गुणा करा देते हैं, गुणा में है तो दो एक्स पहले आ जाएगा, दो एक्स पहले कर लीजिए, बाद में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस दस। ठीक है, चलिए दसवां सवाल भी हमारा हल हो चुका है, दसवां सवाल डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात हो चुका है। चलिए दसवां सवाल हमारा हो चुका है, अब चलते हैं ग्यारह सवाल। ग्यारह सवाल क्या दिया है, ग्यारह सवाल दिया है क्या, कास दो एक्स प्लस पांच, क्या दिया है दो एक्स प्लस पांच, फिर इसको मानते हैं साइन एक्स के जैसे ही है। ठीक है, माना माना वाई बराबर निकॉस दो एक्स प्लस पांच। ठीक, फिर इसको करते हैं दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, अवकलन करने पर। ठीक, इसका भी होगा डी बाई डी एक्स वैसे लिखेंगे क्योंकि वाई का भी करना है, वाई वैसे लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या था कॉस दो एक्स प्लस पांच। ठीक, अब वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर देखिए इधर तो साइन एक्स था यानी कॉस एक्स का हम आपको सूत्र बताए हैं, क्या होगा कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अवकलन जब कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स यानी कॉस, और इसको पूरा को हम क्या मानेंगे यक्स। ठीक है, पूरा को दो एक्स प्लस पांच को हम यक्स मानेंगे, यक्स मान के चलेंगे तब इस सवाल हल होगा। ठीक है, कॉस यानी यक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, यक्स का मान कितना है दो एक्स प्लस पांच, अब तो कॉस एक्स का हो गया, अब पूरे क्या होगा एक्स का होगा। ठीक है, तो गुड़े डी बाई डी एक्स, ठीक, और कोष्टक में दो एक्स प्लस पांच। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन दो एक्स प्लस पांच वैसे ही रहेगा, और ब्रैकेट में डी वाई डी एक्स अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, दो एक्स प्लस डी वाई डी एक्स यानी पांच। ठीक है, अलग 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 कर देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, माइनस साइन दो एक्स प्लस पांच वैसे ही रहेगा। फिर देखिए ब्रैकेट में हल कर लेते हैं, दो वैसे रहेगा और यक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष हो रहा है तो इसका आपको पता ही होगा एक होगा, और प्लस ये अचर पद है यानी जीरो, यानी डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन दो एक्स प्लस पांच। फिर इसका क्या हो जाएगा, दो का एक में गुणा करेंगे दो और दो में जीरो जोड़ेंगे यानी दो हो जाएगा, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हाई दो इधर आ जाएगा गुणा हो जाएगा माइनस दो साइन तो एक्स प्लस पांच। ठीक, तो ग्यारह सवाल का भी डी वाई बाई डी एक्स हम ज्ञात कर चुके हैं, और चलिए अब बारह सवाल हल करते हैं। क्या, तो बारह वाला सवाल, ग्यारह भी हल हो चुका है, और चलिए लास्ट सवाल हम आपको हल करके बताते हैं। लास्ट सवाल है बारह वाला सवाल है टेन दो एक्स प्लस तीन, क्या है टेन दो एक्स प्लस तीन, अब तो यहाँ साइन आया कॉस आया अब टेन आ गया। ठीक है, टेन इसको भी सबसे पहले मानेंगे, माना वाई बराबर टेन दो एक्स प्लस तीन, इसको भी सेम ऐसे ही हल करेंगे, बस फॉर्मूला जैसे यहाँ कॉस का लगा वैसे यहाँ टेन का फॉर्मूला लगेगा यानी टेन का सूत्र लगेगा। तो चलिए दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर ठीक, तो क्या होगा डी वाई डी एक्स वैसे ही रहेगा, वाई वैसे ही रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स और ब्रैकेट में टेन दो एक्स प्लस तीन। ठीक, चलिए तो क्या टेन एक्स का सूत्र हम क्या बता चुके हैं आपको, टेन एक्स का सूत्र हम बताए थे ना कि टेन एक्स का सूत्र क्या होता है,
टेन एक्स का सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। आपको बता भी चुके हैं और आप एक बार देख भी लीजिएगा, आपको बोले भी थे कि याद रहेगा तभी सवाल हल होगा। तो अब चलिए क्या करते हैं, तो वाई का यानी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अब होगा टेन एक्स है यानी क्या है टेन एक्स है, तो टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स यानी एक्स का हम लोग क्या कह रहे थे, हम आपको बताए थे ना कि टेन एक्स एक बार टेन एक्स का लिख लेगा और दूसरी बार केवल एक्स का, यानी एक्स का हम लोग क्या कह रहे थे दो एक्स प्लस तीन एक्स है ना, उसको एक्स मानेंगे तभी हल होगा। चलिए टेन एक्स यानी दो एक्स प्लस तीन, अब तो टेन एक्स का पूरा हल हो चुका, अब ज्ञात करेंगे हम डी बाई डी एक्स यानी दो एक्स प्लस तीन यानी एक्स का हल करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही लिखते हैं सेक स्क्वायर दो एक्स प्लस तीन वैसे ही रहेगा, और फिर अलग अलग कर देते हैं। चलिए डी बाई डी एक्स दो एक्स प्लस डी वाई डी एक्स तीन, ठीक है। चलिए तो डी वाई डी एक्स सेक स्क्वायर, ठीक। अब ब्रैकेट में दो गुड़े एक्स का पता ही होगा एक और तीन का जीरो, तो क्या होगा डी वाई बाई सेक स्क्वायर दो एक्स प्लस तीन, फिर गुड़ा दो एक आने दो और दो में जीरो जुड़ेगा यानी दो, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स दो का गुणा हो जाएगा सेक स्क्वायर दो एक्स प्लस तीन, ठीक। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स मान ज्ञात हो चुका है और हम 12 सवाल भी लगा चुके हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, पहला ये है डी वाई बाई डी एक्स का मान, दूसरा का आंसर यहाँ है डी वाई बाई डी एक्स, तीसरा भी हल हो चुका, चौथा भी देखिए यहाँ 14x का इसका आंसर आया था और पांचवा का भी 14x आया था, ठीक है। और छठा भी हमारा आंसर आ चुका था 24x स्क्वायर, सातवां 40x पे तीन घात प्लस 10x, ठीक। आठवां का आंसर 120x पे 9 घात, ठीक। और फिर नौवां सवाल डी वाई बाई डी एक्स 22x प्लस 2 ज्ञात कर चुके थे, देखिए तीन पद थे जिसमें। और दसवां भी हम ज्ञात कर चुके हैं डी वाई बाई डी एक्स 2x इंटू कास एक्स स्क्वायर प्लस 10, ठीक। ग्यारह वाला सवाल का आंसर क्या है डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 साइन 2x प्लस 5, ठीक। बारह हम अभी हल करके आपको बताया है 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। चलिए तो हम सब सवाल हल कर चुके हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल आपको न्यू वीडियो के साथ, ठीक है। धन्यवाद।